तो दोस्तों इस समय मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और यार कितना मस्त मौसम है, इतना मस्त मौसम है, पूछिए मत। इस समय कानपुर में आप पीछे देख सकते हैं, रात का वक्त है और पानी हल्की हल्की बौछार चालू है। मैं अभी पानी की बौछार के नीचे खड़ा हूँ, बहुत तेज पानी आने वाला है कानपुर में। और लखनऊ में शायद 2 बजे पानी गिरा है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों कितना मस्त मौसम है, पूरा लाल है भाई, लाल मौसम है, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है, बिजली कड़क रही है। ये देखिए तो देखा दोस्तों कितनी भयंकर बिजली कड़क रही है। ये ऊपर का पूरा मौसम है, पूरा मौसम देखिए। जैसे कि मुझे घर वाले बुला रहे हैं कि बेटा मोबाइल नहीं चलाया जाता है जब बिजली मतलब नहीं कड़कड़ाती है, दैट्स व्हाई मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन ये कोई पूरे दिन का ब्लॉक नहीं है, मैं अगले दिन ब्लॉक स्टार्ट करूंगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए देखा, बाय बाय, मैं अंदर जा रहा हूँ, बाय। दोस्तों दोपहर का टाइम है और आपको पता ही होगा कानपुर में कितनी तेज बारिश थी। आपने पहले भी देखा है 24 mm बारिश गिरी है, ठीक है। और ये भाई बहुत भयंकर बारिश होती है। और दूसरी बात, हम लोगों ने प्लानिंग भी कर ली थी कि हम लोग कहाँ जाना है, बहुत ही जगह प्लान करी। कहाँ पे बता दूँ? हाँ, सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क कौन सा है प्लीज आप लोग बताइए, क्योंकि सेंट्रल पार्क कानपुर में बहुत सारे हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि भूकंप आएगा तो हम लोग इधर भाग जाएंगे, ठीक है, इधर भाग जाएंगे। लेकिन मन में ख्याल आते ना गंदे गंदे इतनी भयंकर बारिश में, क्योंकि मेरी बहन बहुत डरती है जब बारिश होती है। और दूसरी बात ये है कि अभी अभी स्कूल से आई है, ठीक है। और आज मैं सोच रहा हूँ कानपुर में मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जो कि बहुत स्पेशल जगह है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एलिस नहीं जा रही है बिकॉज एलिस को हम लोग ले नहीं जा रहे हैं। स्कूटी कहीं नहीं ले जाते, स्कूटी में भाई स्कूटी में 2 लोग आ सकते हैं, लेकिन कार में तो बहुत लोग आ सकते हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी कार आएगी, लाइक करेंगे तभी कार आएगी, वीडियो को शेयर करेंगे तो कभी कार आएगी, ठीक। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब मैं थोड़ी देर बाद निकलता हूँ एक ऐसी जगह कानपुर में जो कि सबका सपना होता है, हर बच्चा जाना चाहता है वहां पे, ठीक। और आप बताइए वो जगह कौन सी होगी। जब मैं शाम को आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगा, कितना मजा किया और वो मैं किसके साथ जा रहा हूँ, प्लीज कमेंट करिएगा। वो है एक स्पेशल वन, ठीक है, और आगे गिफ्ट डेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे कहा था कि मैं शाम को जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज है, और वही हुआ। मैं बहुत अच्छी जगह गया था जो कि बहुत 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 बढ़िया थी। और क्या मैं बताऊं वो कानपुर में किस जगह है, क्या है, वो आपको मीन्स परसों मिलेगी वीडियो, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यार अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और हम लोगों ने कितनी अच्छी जगह गए थे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी में जो नर्सरी लगती है पेड़ पौधों की, आप लोगों ने उसको ही प्यार नहीं दिया प्लीज़। अगर उसको अगर आप लोग नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही प्यार करते रहिए। और अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ बिकॉज टाइम देख लीजिए आप कितना हो रहा है, ठीक है, 10 बजने वाले। अब मैं घर आया हूँ, बस यही सब चीज़ें हैं कि आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ रात रात भर। तो आप लोग प्यार करना बेशक लाजमी है, तो आप लोग प्लीज़ प्यार करिए। प्यार कैसे करेंगे, ऑनलाइन प्यार करना है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जैसे ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और स्पेशल वन के साथ गया था मैं वो वीडियो बनाने, आपको बता दूं वो कौन है स्पेशल वन, प्लीज कमेंट करिए। सेकंड थिंग इज कहां गया था, बहुत अच्छी जगह जो कानपुर में हर वर्ग के लिए है, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।